18 के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट बनी, कोलिशन गवर्नमेंट है मैना टीका करके, मैं दिल्ली के पूरा मुसलमानों को मुसलमान लीडर्स को लिखे, सीएम के पास कुमार स्वामी साहब के पास गया, साहब क्या मैं सुनने को आया, आप कुछ हमारा ग्रांट कम कर रहे करके, नहीं साहब मैं कम करने का सोच रहा हूँ, ऐसा देख सोच रहे हम लोगों ने, मैं बोला साहब आप बढ़ाने की जरूरत है, मेहरबानी करके आप ग्रांट कम नहीं करना करके कुमार स्वामी से आज ही जाना गुजारिश की हम लोग ने, उन्होंने सुने नहीं, मुसलमान के ऊपर चाहत दखल कितनी है जनता दलों को, हम इतना जाके मिलने के बावजूद भी जो हमारा 3150 ग्रांट जो था उसको 1350 ग्रांट करके 1800 करोड़ कर दिए। फोन करे कुमार स्वामी तरह मैं कुमार स्वामी साहब, अगर कुमार स्वामी साहब को अगर मुसलमान के ऊपर चाहत होती तो ग्रांट कम करते, तो आप वोट देके फायदा क्या हुआ, 2018 के अंदर आपने जो वोट दिया था 30% इधर जो वोट दिया था आप जनता दल को उसका बदला अदा किए, क्या अंजलि मैडम जो 30% जो वोट दिए थे ना उसका बदला कुमार स्वामी कैसे अदा किया, बोलो जो सुलेवा साहब 3150 जो ग्रांट दिए थे ना उसका ग्रांट जो है बड़ा बढ़कर बेहतर बढ़ाने के बदले 3150 ग्रांट कम कर दिया, तो उस पार्टी को हम वोट देना, उस पार्टी को वोट देना, आप जानते होंगे यही सिद्धरामैया कुमार स्वामी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर 30-60 सीट जीते हुए थे, वो हम 80 जीते थे, कांग्रेस दल 80 जीते के बावजूद भी बीजेपी को दूर रखना करके कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने, कोलिशन गवर्नमेंट बनी, यही हमारे सिद्धरामैया साहब 5 साल जब मुख्यमंत्री थे टिप्पू सुल्तान के बारे में जानते हुए मैसूर के होते हुए टिप्पू जयंती मनाना करके बैंक्वेट हॉल में हर साल टिप्पू जयंती मनाते थे, जैसा कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर बन के गवर्नमेंट में आदेश करते जो बैंक्वेट हॉल में जो टिप्पू जयंती मनाते थे उसको रद्द करके रविंद्र कला क्षेत्र में करो करके आदेश कर दिए, वही जाके कुमार स्वामी साहब को बोला ये हमारी हुकूमत के अंदर हम टिप्पू जयंती मना रहे थे, हमारी बदौलत अब मुख्यमंत्री बने, हम किसी हालत में किसका नहीं चलेंगे, हम टिप्पू जयंती जैसे सूत्र में मना सके बैंक्वेट हॉल में बनाइए जाके, हमने बैंक्वेट हॉल में बनाया, उस पार्टी को आप वोट देते। एक आप और मैं बोलना चाहता हूँ, 5 साल भी हच्ची नागरिक के ले गए ढाकिनाग्रेशन के साथ साथ में जो अपना पूरा उठा था कोई चीफ मिनिस्टर नहीं गया, हमारा लीडर सिद्धरामैया खुर्रे के मिनिस्टर बना था उनकी गवर्नमेंट में, उनको जाके 1 महीना पहले इन्विटेशन दिया, आज तक कोई मुख्यमंत्री आज तक फेल नहीं गया, मेहरबानी करके आपको हच्ची नागरिक फंक्शन में आना करके, कुमार स्वामी बेंगलुरु में होते हुए भी हच्ची नागरिक फंक्शन में नहीं है, 2018 के अंदर हमारी वजह से मुख्यमंत्री बने, दोबारा सिद्धरामैया और राहुल गांधी ने मेरे को मिनिस्टर बनाया, दोबारा मैं जाके सिद्ध कुमार स्वामी साहब को मिलकर बोला साहब 2006 के अंदर हमारे मुसलमान नाराज है आपसे, 2006 के अंदर पहला शख्स ऐसे के कोई इनॉग्रेशन हज इनॉग्रेशन के लिए नहीं है, आप इस बार नहीं आएंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट होते आवाम नाराज हो जाएगी, मेहरबानी करके आना करके इन्विटेशन 1 महीना पहला दिया, वेस्टर्न होटल के अंदर बैठते हुए वो इनॉग्रेशन फंक्शन में नहीं है, यही बीजेपी हुकूमत थी 5 साल, येडियुरप्पा 3 साल चीफ मिनिस्टर थे, सदानंद गौड़ा 1 साल चीफ मिनिस्टर था, जगदीश शेटर 1 साल, 5 साल इनॉग्रेशन के लिए कुमार स्वामी क्यों नहीं आया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, नासिर भगवान से पूछना चाहता हूँ, आपके पूछे सवाल कुमार स्वामी को, यही है मुसलमानों की चाहत आपके ऊपर, इस आधा वाली एक मिनट आधा वाली